होंगे लोग उतना बढ़िया भविष्य होगा। लिटरेसी चाहिए, लिटरेचर के साथ संबंध चाहिए। आप पढ़ते कोई कहानी तो तुरंत विजुअलाइज करते हैं ना कि ऐसा होगा। ये कहानी जब पढ़ते कोई भी कहानी कहानी पढ़ते वक्त ही मालूम पड़ता है जी। अभिवचन एक लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम क्वेश्चन किसी के लिए। सर आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज आप एक डायलॉग बोलिए। डायलॉग वो अपोज करके चलिए सर प्लीज, हम सब की रिक्वेस्ट है। बुलाओ राधिका को। चलिए थैंक यू सो मच आप सब लोग इस इतने बढ़िया तरीके से ऑडियंस मिली सर, इतना खूबसूरत तरीके से आपने सुना। और मैं सर आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने अपना इतना अच्छा समय हमें दिया। सर प्ले भी आए हुए हैं, सर को रिहर्सल करनी है, सर की तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी इतने समय बैठे हैं, मैं बहुत बड़ा आभारी सर। यहाँ पे पधारे बहुत ही विनम्र कलाकार को मैं तहे दिल से सलाम करती हूँ। सर के साथ में मैंने जो कुछ पल बिताए सर, बहुत कुछ मैंने सीखा है आपसे। इतनी ऊंचाई पे हैं आप, लेकिन उनकी विनम्रता बहुत लेने लायक है मुझे। इतने बुलंदी पे हैं आप, फिर भी इतने कमजोर है कि 2 बजे उनका मुझे फोन आया कि मैडम आप कहाँ हूँ। और दूसरी बात कि ये कलाकार 75 ईयर्स है, कलाकार की कोई उम्र नहीं होती, ये तो उनकी फिजिकल उम्र है 75 जो आंकड़ा मैंने बताया है, कलाकार की कोई उम्र नहीं होती। लेकिन इस आयु में सर बीमार है, मैंने देखा दवाइयाँ ले रहे थे मैं जब आज गई वहाँ, फिर भी हम सभी के लिए सर आप यहाँ आए तो मैं शुक्रिया मान के भी मैं काम कर पा रहा हूँ, जो मैं थिएटर करता हूँ। और पूरे भारत में भ्रमण कर रहे हैं सर, एक प्ले लेके जा रहे हैं और अलग जगह के कार्य आप कर रहे हैं सर, आपको मैं सलाम करती हूँ आपके कार्य को। और हमारे संस्था के परमार्थनीय माननीय दिलीप राय जी गोयलका सर, उनके तो कितने आभार मानने चाहिए हम लोगों में, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी उन्होंने हमें दी है, एक डायस हमें प्रोवाइड किया है। क्योंकि सर हमारे यहाँ लिटरेचर पढ़ाया जाता है और वो भी लिटरेचर यदि प्रैक्टिकल में आता है तो क्या कहें। बच्चों आप सभी चारों लैंग्वेजेस में नाटक पढ़ते हैं। और दूसरी बात सर ने बताया कि हमारी जिंदगी तो नाटक है और क्या है, हर किरदार हम निभाते हैं। और अभी हम एक प्रश्न आया था कि क्या नाटक का भविष्य क्या होगा, तो मैं ये कहूँगी कि जब छोटा बच्चा होता है उससे कुछ भी सिखाया नहीं जाता, फिर भी वो दादाजी का अभिनय कर देता है कि तुम्हारे दादाजी कैसे चलते हैं, मम्मी कैसे करती है, उसके डॉग के साथ में वो खेलता है तो पूरा किरदार तो निभाता है। तो हम सभी में एक एक्टर छुपा हुआ है, सिर्फ जरूरत है तो उसको निखारने की। और वो निखारने का कार्य आरडीजी इंस्टीट्यूट टेलीविजन एंड ड्रामेटिक्स करेगा और आपको हम यहाँ आमंत्रित करते हैं। और सर आपको मैं थैंक यू कहकर पलायन नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि आप हमारे परिवार के बड़े सदस्य हैं, तो मैं आपके आशीर्वाद देना चाहती हूँ और हम सभी को आशीर्वाद। Thank you.